नमस्कार मैं हूं रंजीत झा अडानी और अंबानी जैसे धन्ना सेठों ने राजनीतिक तंत्रों के सहारे जिस कदर देश की अकूत संपत्ति अपने जेब में भर ली है बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली है उसके बाद भरी सभा में जस्टिस गवई ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए इन सब के होश उड़ा डाले उन्होंने कहा है कि हम अंधे तो नहीं हो सकते हम देख रहे हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चरमरा देने के लिए ढाह देने के लिए देश के कुछ संगठित गिने चुने लोगों ने पूरी संपत्ति को अपने पाले में कर रखा है और वही दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं है आज हम इस रिपोर्ट को इसलिए आपके सामने लाए हैं ताकि फैक्ट और डेटा के आधार पर भी आपके सामने यह जानकारी रख सकें कि वाकई में किसके पास कितनी दौलत चली गई है देश की कुल संपत्ति का कितना हिस्सा किसके पास है और आम लोगों के पास क्या है आम लोगों की जिंदगी कैसी है? लेकिन उससे पहले जस्टिस गबई ने जो गंभीर बातें भरी सभा में कही हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे धन्ना सेठों की नींद उड़ा देने के लिए काफी हैं और इस देश में आर्थिक असमानता पर बात करने की एक बड़ी बहस छोड़ने जैसी बातें जस्टिस गवई ने कह दी हैं। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले जस्टिस गवई के उस स्टेटमेंट को देखते हैं जो उन्होंने एक भरी सभा में कही है यहां देखिए इनका कहना है कि भारत की सारी संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित है जबकि अधिकांश लोग दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते न्यायमूर्ति बी आर गवई उन्होंने क्या कहा है अब देखिए अपने स्क्रीन पर लेकिन मैं आपको बता दूं इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिएगा ताकि पूरे डेटा से आप समझ सके कि इस देश की सच्चाई है क्या नवंबर उन्नीस में अंतिम संवैधानिक बहस में डॉक्टर बी आर अंबेडकर के शब्दों को दोहराते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा प्रदान की गई राजनीतिक समानता हमें अन्य क्षेत्रों में असमानता के प्रति अंधी नहीं बना सकती ये वोट देने के अधिकार से हम राजनीतिक समानता हासिल तो कर लेंगे लेकिन जो आर्थिक समानता हमारे सामने है इस चुनौती से निपटने के लिए आंखें तो नहीं मूंद लेंगे इनका कहना है कि आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है जो नागरिकों को उस वर्ग में फंसा देती हैं जिसमें वे पैदा हुए हैं अब कुछ लोगों के हाथों में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास देश की अकूत संपत्ति है उस डेटा पर हम आते हैं लेकिन जरा गवाई साहब के अंबेडकर वादी स्टेटमेंट को अपने स्क्रीन पर आप देखिए उनका कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक धरातल पर हमने एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान करके समानता और न्याय प्राप्त किया है लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय और समानता के बारे में क्या हमारे पास एक ऐसा समाज है जो कई श्रेणियों में विभाजित है जहां व्यक्ति एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में नहीं जा सकता आर्थिक धरातल पर हमारे पास एक ऐसा समाज है जहां देश की पूरी संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित है जबकि अधिकांश लोगों को दिन में दो बार भोजन करना भी मुश्किल हो जाता है इसलिए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमें चेतावनी दी कि हमें इन असमानताओं को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लोकतंत्र की वह इमारत ढह जाएगी जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया है न्यायमूर्ति कवई ने यह गंभीर टिप्पणी की है क्योंकि उन्हें भी देश के हालात की चिंता है इस देश में गरीबों की चिंता है कि हम अभी भी जूझ रहे हैं न्यायमूर्ति गवई की यह बातें कहीं ना कहीं धन्ना सेठों के कान तक जब पहुंची होंगी तो उनके होश उड़े होंगे कि देश की अकूत संपत्ति पर कब्जा बनाने के लिए खासकर जो अडानी पर आरोप है कि वो राजनीतिक तंत्रों का भरपूर उपयोग किए मोदी सत्ता ने उन्हें देश और दुनिया में कितने बिजनेस दिलाए हैं कि हर सेक्टर में अडानी 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 नहीं तो अंबानी 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 यही चलता है कुछ लोगों ने गरीब को और गरीब कर दिया है आइए पर बात करते हैं कि इस एनडीटीवी की, की रिपोर्ट है। भारत में एक प्रतिशत आबादी के पास चालीस प्रतिशत संपत्ति तो जस्टिस गवाई साहब ने गलत तो नहीं कहा उन्होंने कहा कि आर्थिक असमानता जिस हिसाब से बढ़ रही है या लोकतंत्र को ध्वस्त कर देगा तो उनका कहना सही है यहाँ कहा गया है कि भारत में 2000 के दशक की शुरुआत से आर्थिक समानताएं लगातार बढ़ी हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 हजार में देश की सबसे अमीर एक प्रतिशत आबादी की आय में हिस्सेदारी बढ़कर 22.6 प्रतिशत हो गई है वहीं संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर चालीस हो गई है भारत में आमदनी और संपदा में असमानता 1922 से 2023 के आंकड़ों को देखें तो अरबपति राज का उदय शीर्षक रिपोर्ट कहती है कि 2014-15 और 2022-23 के बीच शीर्ष स्तर की असमानता में वृद्धि विशेष रूप से धन के केंद्रित होने से पता चलती है इसका मतलब समझिए कि 2014 से 2023 के बीच में इस मोदी सरकार ने जनकल्याणकारी फैसले लिए या फिर कॉरपोरेट कल्याणकारी फैसले लिए यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि इस देश में आम जनता ही सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है कॉरपोरेट वालों को उनकी आमदनी के मुताबिक बहुत सारी राहतें ही दे दी गई हैं सिर्फ जनता के नब्ज को टटोला जाता है तो आर्थिक असमानता कैसे नहीं बढ़ेगी कहा जा रहा है यह रिपोर्ट थॉमस पिकेटी पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड इन लैब, लुकास चांसल हार्वर्ड कैनेडी स्कूल एंड वर्ल्ड इन लैब और नितिन कुमार भारती न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड द वर्ल्ड इन लैब द्वारा लिखी गई है अब इससे आप समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से एक प्रतिशत आबादी के पास पूरी संपत्ति आई है कुछ लोगों के हाथ में देश की अकूत संपत्ति सेंट्रलाइज हो गई है यह हालात जो है अब इस कदर बढ़ चला है कि दक्षिण अफ्रीका ब्राजील और अमेरिका की संपत्ति से अधिक संपत्ति इन अरबपतियों के पास भारत में हो गई है और आम तबका पिस्ता जा रहा है रिपोर्ट में कहा गया कि शुद्ध संपत्ति के नजरिए से भारतीय आयकर प्रणाली प्रतिगामी नजर आती है यह प्रतिगामी है सोचिएगा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में आर्थिक आंकड़ों की गुणवत्ता काफी खराब है और हाल ही में इसमें गिरावट देखी गई है इसमें कहा गया है कि भारत में सबसे अमीर एक प्रतिशत आबादी का आमदनी में हिस्सा ऊंचे स्तर पर है यह संभवता सिर्फ पेरू यमन और कुछ अन्य देशों से ही कम है पूरी कमाई तो यही लोग कर रहे हैं सोच सकते हैं आप कि इस देश के हालात क्या हैं जरा यह समझ लीजिए कि पहले इतने बुरे हालात नहीं हुआ करते थे वो कैसे तो एक रिपोर्ट और जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिएगा वो हम आपको दिखा दे रहे हैं डाउन टू अर्थ ओ की रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट कहती है कि अट्ठावन प्रतिशत राष्ट्रीय आय और पैंसठ प्रतिशत संपत्ति पर है देश के 10 प्रतिशत अमीरों का कब्जा और 40 फीसदी संपत्ति पर है एक प्रतिशत अमीरों का कब्जा समझिए आप यहां पर सबसे बड़ी बात जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं जरा देखिएगा अपने स्क्रीन पर कि शोध पत्र में कहा गया है कि भारत के एक प्रतिशत धन कुबेरों के पास दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले अधिक आय है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार अमेरिका और चीन के धन कुबेरों से अधिक राष्ट्रीय आय पर भारतीय अमीरों का कब्जा है यह सोचकर आपको हैरानी नहीं होगी तो क्या होगी? जस्टिस गवई ने जो कहा है वो गलत थोड़े ना कहा है यहां देखिए कहा जा रहा है कि सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोगों की देश की आय में हिस्सेदारी 1951 में 37 प्रतिशत थी जो 1982 में गिरकर 30 प्रतिशत रह गई थी लेकिन इसके बाद 10 प्रतिशत अमीरों की आय बेतहाशा बढ़ी थी 1990 के बाद तीन दशकों में देश की आय में इन अमीरों की हिस्सेदारी 60 फीसदी तक पहुंच गई वहीं दूसरी तरफ 2022 23 में निचली 50 प्रतिशत आबादी के हिस्से मात्र 15 प्रतिशत पाई है तो यह दुखद खबर है यह चिंताजनक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साफ खिलाफ है पहले इसमें गिरावट क्यों आई थी धन्ना सेठों के पास अकूत संपत्ति भारत में किस समय नहीं थी और क्यों नहीं थी सरकार की नीतियां क्या थी यह समझना जरूरी है यहां पर देखिए कहा जा रहा है एक प्रतिशत सबसे अमीरों की औसत आय तिरपन लाख है जो एक औसत भारतीय की आय दो दशमलव तीन लाख से तेईस गुना अधिक है पचास प्रतिशत निचली आबादी और चालीस प्रतिशत बीच की आबादी की औसत आय क्रमशः इकहत्तर हजार रुपए और एक लाख पैंसठ हजार रुपए है जो शोध किए हैं जो रिसर्च किए उन्होंने जो जानकारी दी है इनके कारणों का जो पता लगाया वो कारण भी आप जरा अपने स्क्रीन पर देखिए अध्ययनकर्ताओं के अनुसार उन्नीस सौ अस्सी के दशक की शुरुआत तक एक अमीरों की आय कम होने की वजह सरकार का समाजवादी इस नीति के तहत प्रमुख सेक्टरों जैसे रेल हवाई जहाजों बैंकिंग और तेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था लेकिन इसके बाद हुए आर्थिक सुधारों और उन्नीस में उदारीकरण के चलते इन एक प्रतिशत अमीरों की आय गिरनी बंद हो गई यही वजह है कि उन्नीस में जिन एक प्रतिशत धन कुबेरों की आय में हिस्सेदारी छह दशमलव एक प्रतिशत थी वह 2022 तक बाईस दशमलव छह प्रतिशत पर पहुंच गई क्योंकि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ और आज की तारीख में अडानी हर उस सार्वजनिक संपत्तियों पर अपना हक जमा रहे हैं कब्जा जमा रहे हैं जिससे सरकारें आय बनाती थी और कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया करती थी यहां पर उद्योगपति धन्ना सेठ मानते जा रहे हैं कहा जा रहा है कि इसी तरह 1961 में सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोगों की संपत्ति में हिस्सेदारी 45 प्रतिशत थी जो 2022 23 में पैंसठ प्रतिशत हो गई वहीं दूसरी तरफ निचली 50 प्रतिशत और बीच की 40 प्रतिशत लोगों की संपत्ति में हिस्सेदारी तेजी से कम हुई है तो यह रिपोर्ट अपने आप में हैरान भी करती है और जस्टिस गवई द्वारा उठाई गई चिंताओं को सार्थक भी बताती है कि इन पहलुओं पर अगर गौर नहीं किया गया तो फिर देश को भारी नुकसान हो सकता है धन्ना सेठ अगर अपने कंट्रोल में पूरे सिस्टम को ले लेंगे तो फिर इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त होने से कोई रोक भी नहीं सकता है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद